मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर सरकार द्वारा राहुल व प्रियंका गांधी को हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाने की अनुमति पर यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं उप जिला अधिकारी माट डॉक्टर सुरेश कुमार व क्षेत्राधिकारी माट रविकांत पराशर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और प्रियंका गांधी व राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे टोल से हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गुजरा। हाथरस में हुए रेपकांड पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला माट टोल से गुजरा, पर कई गाड़ियों को माट टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर आगे टोल कैंटीन पर जलपान के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतरे। वहां उन्होंने जलपान किया। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा बताया गया कि पीड़ित परिवार को हड़काया व धमकाया जा रहा है और हम पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। सरकार के तानाशाह रवैये से हमें मिलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हम हर सूरत में पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनकी मदद करेंगे। एक्सप्रेसवे पर होकर के आए, यहाँ से 10 से 15 मिनट रुके, पत्रकार बंधुओं की कुछ बातें हुई, फिर उन्होंने चाय पी और हल्का स्नैक्स लेकर के फिर यहाँ से प्रशासन। लगभग कितनी देर रुके होंगे? 15 मिनट। पुलिस द्वारा आपके टोल पे जो गाड़ी रोकी गई है सर, उनके बारे वो 5 मिनट 15 मिनट हमें शासन आदेश था कि जैसे ही राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे उसके बाद उनका पूरा ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, उन्हीं के निकलेंगे, तो हमने 15 मिनट टोल पा। क्या उनके साथ की भी गाड़ियाँ कुछ रोकी गई हैं? हाँ, उनके साथ कुछ अनाधिकृत कार्यकर्ता जो जा रहे थे परमिशन के खिलाफ, वो गाड़ी हम लोगों ने रोकी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।